मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली। ओम शांति। आज की तारीख है 8/9/2022 की सकार मुरली। बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है, कैसे और कौन सी? उत्तर, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते उससे नीचे ही उतरते आते, रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पति तो बनते ही जाते हैं। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद के बाप से बरसा लेने। जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है। विनाश तो होना ही है, आसार ऐसे देखने में आते हैं। यह भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए यह महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किस से लड़ाई नहीं करते हो, तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास ना काम की ना क्रोध की हिंसा है, मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। यह तो है ही पतित दुनिया, किस कारण पतित बने हो? विकार के कारण। यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है, क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। अपवित्रता और पवित्रता की बात है, काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। बाप कहते हैं दोनों को प्रतिज्ञा करनी है ज्ञान चिता पर बैठने की, वह काम चिता पर बिठाते हैं, बाप वह सौदा कैंसिल कराते हैं। अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो वह सौदा कैंसिल करना पड़े। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है उस बाहुबल की लड़ाई से। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, क्योंकि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो बल मिलेगा। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण
बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अब वह 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। जरूर बच्चे जानते हैं, देवी देवताओं का राज्य था, राम राज्य स्थापन हुआ, राम नाम रख दिया है। वास्तव में नाम शिव है, शिवाय नमः कहते हैं, रामाय नमः नहीं कहते हैं। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है, राम को बाबा कोई कहते नहीं, शिव को बाबा कहते हैं। राम यानी परम पिता परमात्मा, ना कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य जो सुनते वह बोलते जाते हैं, अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी परम पिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते हैं। वह तो समझते हैं कि परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्मा कहते तो भी नाम हो गया ना, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं, अति सूक्ष्म है। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा है, मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है, सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है, उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो परम पिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, कोटों में कोई ही इस राज को समझते हैं। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। कैसे आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं, ना मुझे जानते ना चक्कर को जानते हैं। अभी तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की बातों से ताल्लुक नहीं है। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, उनका तो धंधा ही है अपना, तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना, वह है बाहुबल की सेना, उनको तुम जानते हो, तुमको कोई नहीं जानते। वो लोग यानी साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं, देखा है तो समझते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते, हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, उनका पुरुषार्थ कर नहीं सकते। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीज़ें आती हैं, उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को तो जानते ही नहीं हैं, खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी वह आता है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि जैसे बाप की गतमत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं है, तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं, वो ब्राह्मण लोग कहेंगे तुम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन वह तो कोई नहीं जानते नहीं, वह तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा के तीन रूप कैसे हो सकते, यह तो तीन देवताएं हैं, तीनों की एक्टिविटी अलग है। रचयिता तो एक ही शिव है, हम सब उनकी रचना वहाँ रहने वाली हैं। ऊंच ते ऊंच बाप ही सुप्रीम सोल है, सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि वह भी निराकार परमात्मा और हम आत्माएं भी निराकार, सब एक ही हैं, सब उनके ही रूप हैं, नहीं। बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं। तुमको बाप ने नॉलेज दी है
शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं कि ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणों को परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, परमात्मा ने आकर यह ब्रह्मा मुख वंशावली रची है। जब चक्कर पूरा हो संगम होता है तो बाप आकर पतित दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते हैं। तो जरूर संगम पर आना पड़े, पावन बनने में टाइम लगता है। आधा कलब से सिर पर पापों का बोझा है, योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वह निकलती है। तुमको सतो प्रधान बनना है, हम जो पतित बने हैं याद से ही हम पावन बनते जाएंगे। कितना सहज है, हमको फिर से 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। बच्चों को यह नॉलेज मिली है, बाप भी कहते हैं हम तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आए हैं। बाप बरसा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करती है। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं, वह कामनाएं माया पूरी करती है। उनकी भी किताब आदि होती है, तुमको तो कोई किताब नहीं शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है, तुम्हें बाप की श्रीमत है। बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ, तुम्हें कभी पतित नहीं बनना है। तुम्हारी यह डिपार्टमेंट ही अलग है, कलब पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही प्रसाद करेंगे। देवताओं का देखो कैसे सैपलिंग लग रहा है, ब्राह्मण बनते जाते हैं, जो थोड़ा भी सुनकर जाते तो प्रजा में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे ना। मौत सामने खड़ा है, फिट फिट थोड़ा जोर भी भर सकती है, बंद भी हो सकती है। बुद्धि कहती है कि अर्जुन अभी थोड़ा देरी है, राजधानी अभी कहाँ स्थापन हुई है। राजाओं सन्यासियों आदि को अर्जुन ज्ञान कहा दिया है, विवेक रहता है, विनाश में थोड़ा देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है ना, वह यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, और भगवान ने यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, यानी विनाश के लिए। थोड़ा शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी, बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं है। स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य समझो ना। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुम जानते हो हम कल्प पहले माफिक फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं था, यह तो बाद में इन्होंने निकाले हैं। यह भी ड्रामा की भाभी कहेंगे, रक्त की नदियां यहां ही बहती हैं, एक दो में लड़ते रहते हैं, भल भाई भाई होकर बहुत समय से रहे पड़े हैं। परंतु हिंदू और मुसलमान धर्म तो अलग अलग है ना, वह आए ही बाद में हैं, तो लड़ाई इन्हों की आपस में है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुमको अपनी सर्विस में तत्पर रहना है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, बूंद बूंद से तालाब ऐसे होगा ना। घर में भी यह चित्र रखो, बेहद के बाप से 21 जन्मों का बरसा कैसे पा सकते हो, आओ तो समझाएं, मौत तो सामने खड़ा है। अब सिर्फ बेहद के बाप और बरसे को याद करो, इनको मृत्यु लोक कहा जाता है। बाप कहते हैं
मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते हैं ना, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, अकाल तकत है ना, तुम अकाल आत्मा हो। बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं, यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र है, आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही इस मुख द्वारा सुना रही है, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है, हम आत्मा इस शरीर से यह करते हैं। आत्मा को रचना मिलती है, आत्मा ही कहती है यह मीठा है, यह खट्टा है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्माओं को बाप कहते हैं। अब घर वापस जाना है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब ये शरीर छोड़ना है, इनसे ममत्व निकालना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता है, पुरानी खल छोड़ नई ले लेते हैं, तुम्हारी भी यह पुरानी खल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। भमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है, वास्तव में सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं, तुम ब्राह्मणियाँ उन्हों को भी भू भू कारपति से पावन बनाती हो, कहती हो शिव बाबा को याद करो, मनुष्यों को देवता बनाने की जादूगरी है, जादूगर सौदागर रत्नागर यह सब उनके नाम हैं। अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर भी कहते हैं बाप और बरसे को याद करो। बाप कहते हैं अगर तुम एक बार मुझ पर बलिहार जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा, यह सौदा तो अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है, तुमको युक्ति बतलाएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, इसमें पवित्रता है, फर्स्ट यह रूहानी यात्रा है, सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं, तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है जो रूह बैठ रूहों को सिखलाते हैं, इसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, तो तुम्हें अंदर में दुख नहीं आ सकता, अगर आता है तो कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है, बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। नंबर दो, पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक ना रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाप से पूरा बरसा लेना है। वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भाव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है, ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे, वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है, इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। स्लोगन, स्वयं द्वारा
सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। ओम शांति।